आज मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से एक फ्रॉग ड्रॉ करने के लिए बताऊंगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। और इसमें जो है आप लोग काफ़ी चीज सीख पाओगे और अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाओगे। चलिए अब हमारे साथ आप भी ड्रॉ करें और स्टेप बाय स्टेप उस पर एक कलर का जो लेयर होता है, मैं आपको सारा खुद इंस्ट्रक्शन करूँगा वन बाय वन। सबसे पहले आप एक फ्रॉग का पिक्चर ड्रॉ कर लें। मैं यहाँ पे एक सिंपल मेथड से ड्रॉ करूँगा। अगर आपको अदर फ्रॉग को ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और जो मैं आपको आज स्टेप बताने के लिए जा रहा हूँ, वो हर जितने भी फ्रॉग आप बनाओगे वाटर कलर पे सारे पे फॉलो करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, साथ ही आपको काफ़ी चीज़ का एक्सपीरियंस होगा किस तरह एक बिगनर्स जो है क्या क्या एरर करते हैं अपने ड्राइंग के साथ। और अगर आप भी इस एरर से बचना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। और उससे आप अगर वीडियो अगर पूरी देख रही हो तो उसके बाद देखने के बाद अगर आपके अंदर जो एक नया वाइब्रेशन आएगा, जो अंदर से जो फीलिंग आएगी ड्राइंग बनाने की, यकीन मानो कि वो काफ़ी अच्छी होगी। और आप इंस्पायर भी होंगे कि कोई भी कलर करना बहुत ही इजी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम अपने वीडियो पे। सबसे पहले इस पर आप ड्रॉ करिए अच्छे से, कोई भी एक इमेज ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से स्टडी कीजिए कि वो बोल क्या रहा है, वो कैसे कलरिंग उस पर कैसे जा रहा है, क्या उस पर मतलब उसका क्या इफेक्ट आएगा, किधर से उसका शेड आ रहा है। इन सारी बातों को आप ध्यान से कहीं पे नोट कर ले और स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करें। जैसे कि ये हमारा फ्रॉग, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसे मैंने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और मैं इस पर ऑब्जर्व किया। जैसे कि ये लिप्स पे बैठा हुआ है तो इसका जो शेड है वो इसके लिप्स के नीचे में आएगा। इसमें काफ़ी बातें आगे मैं आपको बताते जाऊँगा और इंट्रैक्शन करते जाऊँगा। आप सबसे पहले मैं इस पर कलर का कोटेज डालूँगा, जो एक लेमन येलो का मैं कोटेज फर्स्ट डालता हूँ, क्योंकि लिप्स पे फर्स्ट लेयर लेमन येलो होता है। इसलिए मैं इस पर एक लाइट मतलब वाटर कलर का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट कलर, तो इसलिए मैं जो हूँ इस पर जो बहुत ही लाइट कलर ले रहा हूँ, मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो काफ़ी अधिक रहेगा और कलर का जो क्वांटिटी होगा वो भी लेस होगा। इसलिए मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे बहुत ही लाइट कलर दे रहा हूँ। अब मैं लिप्स पे भी लेमन येलो करूँगा और जैसे जैसे मैं उस पर स्टेप बाई स्टेप दूँगा वैसे वैसे उसका जो शाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। आप देख पा रहे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं इसका बैकग्राउंड जो बनाऊँगा, पर जो मैं बैकग्राउंड के लिए मैं पर्सन ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ और पर्सन ब्लू का एक कोटेज में चढ़ा रहा हूँ। उसमें आप देख पा रहे हो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है और कलर की जो क्वान्टिटी है वो कम है। मैं इस पर फिर से चलाऊंगा, लेकिन तब तक मैं इसे ड्राई कर लूँगा अच्छी तरह से, जिससे कलर का इफेक्ट पूरे पेपर पे आ जाए। और वाटर कलर में जब तक आपका मतलब ड्राई नहीं हो जाता है तब तक आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके कलर में शाइनिंग है, कितना शाइनिंग है और कितना ड्राइंग आपका रियलिस्टिक दिखेगा। अब मैं इसको फिर से इस पर जो ये जो फ्रॉग है ना, इस पर मैं फिर से अब लेमन येलो करूँगा और लेमन येलो करने की के बाद फिर से मैं इस पर लिप्स पे भी लेमन येलो करूँगा। इसी तरह करते करते जो अब मुझे अब लगेगा कि हाँ अब ये मतलब येलो इस कलर हो गया है, तो मैं इसे स्टॉप कर दूँगा और फिर इसको मैं ड्राई करने का वेट करूँगा और फिर उसके ऊपर मैं पर्सन ग्रीन का यूज़ करूँगा। और
कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि उस पर जो स्ट्राइक होता है, मतलब उस पर जो लाइनिंग होता है, उस पर जो शेडिंग होता है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा जो फ्रॉग है उसकी जो डायरेक्शन है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, और जिस तरह इस इमेज में होता है फ्रॉग, उसी तरह मैं जो हूँ इस पर भी इसका जो स्ट्राइक जो मैं चला रहा हूँ वो भी सेम डायरेक्शन में चला रहा हूँ। जहाँ पर ब्रश जैसे यूज होना चाहिए, जहाँ का स्ट्राइक मुझे जैसे समझ में आ रहा है, मैं उस ब्रश से स्ट्राइक में सेम टू सेम डाल रहा हूँ। उससे अगर स्ट्राइक से होता क्या है ना, जैसे कि आपका कुछ कोई भी ड्राइंग है वो उस पर शेड आता है, जैसे आप लेयर बाई लेयर स्ट्राइक चलाते रहते हो, उस पर स्ट्राइक एक देते रहते हो, एक लेयर एक थिन लेयर जो देते रहते हो, वो लास्ट में एक ऐसा आ जाता है कि वो जो है आपको काफ़ी शाइनिंग देता है और बिल्कुल ही रियल लगता है, और उस पर जो आपका जो वर्क है वो भी काफ़ी दिखता है कि मतलब आप जितने बार उस पर कोटेज कर रहे हो उसका जो वर्किंग है वो भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होता है, और प्लस जो आपका जो वर्क है वो दूसरे को भी दिखेगा। अक्सर लोग करते क्या है ना कि यहाँ पे डार्क कलर हो तो वहाँ पे वो डायरेक्ट डार्क ही कलर यूज़ कर देते, जबकि ये जो मेथड है वो बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले मैं लाइट कलर करूँगा, और जहाँ पे फिर जैसे जैसे डार्क दिखेगा तो मैं लाइट को ही थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करते जाऊँगा, और ऐसा ही मैं इस वीडियो में भी कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे देख पा रहे हो कि जो हमारा जो ये ड्राइंग है ना वो काफ़ी अब अट्रैक्टिव लग रहा है, धीरे धीरे उससे शाइनिंग आ रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी कलर ना लिया और उस पर थूप नहीं दिया, उसको मैं लेयर वाइज लेयर उस पर चढ़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं इस पर लेयर दे रहा हूँ इसकी जो शाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी से इम्प्रूव हो रही है और बिल्कुल अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। जब ये मुझे तो ये लग रहा है कि जब ये फिनिश होगा तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। तो अगर आप भी ऐसा ड्राइंग बनाना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखें, और आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि आप मतलब किस तरह ड्रॉ करना चाहिए और कैसे ड्रॉ करना चाहिए। आप जो है अब जो कर रहे होंगे किस तरह मैं इस पर लेयर बाय लेयर चला रहा हूँ, और आप देख पा रहे हो कि किस तरह ये लाइटिंग जा रहा है और इसका जो शाइनिंग है वो भी स्लोली इंक्रीज हो रहा है। और वाटर कलर जो है पेशेंस वाला कलर है, मतलब आपको अगर पेशेंस है तभी आप इसे कर पाओगे, अगर पेशेंस नहीं है तो आप कोई भी वर्क को कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आप जब भी वाटर कलर करो, स्पेशली वाटर कलर, तो उसमें आपको बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो अब मैं स्ट्रोक जो यहाँ पे बना रहा हूँ उसमें मैं कलर ज़्यादा ले रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब जो है मैं इसे जो हूँ फिनिशिंग टच देने जा रहा हूँ, बट इसमें भी वाटर मिक्स किया हुआ है, डायरेक्ट में कलर नहीं लेके उसे मतलब उस पर दे नहीं रहा हूँ। और अब जो है मैं उस पर थोड़ा सा ड्राई ब्रश का यूजेस करूँगा और फिर मैं इसे एक फिनिशिंग टच दूँगा।
जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।